आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का 28वां अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से दुख पीड़ा का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि प्रेत योनि में पड़ा वासु नाम का ब्राह्मण राह में जाते हुए पथिक के पास त्रिवेणी के जल को देखकर उससे वह जल मांगता है और उसे अपनी पीड़ा सुनाता हुआ कहता है कि एक बार उसने एक सारस और बंदर का संवाद सुना, जिसे सुनकर वह मोह और अज्ञान से दूर हुआ। पथिक ने उस प्रेत से कहा कि उसने जो कुछ बंदर और सारस के मुख से सुना उसे भी सुनाए। तब वह प्रेत कहने लगा कि जब बंदर ने सोए हुए सारस को अपने पंजों से दबोच लिया तो सारस ने उससे विनती की कि वह उसे छोड़ दे, क्योंकि वह बंदर के पूर्व जन्म की कथा जानता है। सारस ने कहा कि हे वानर, तुम पूर्व जन्म में विंध्या पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारा पुरोहित। तुमने अपनी प्रजा का शोषण कर धन इकट्ठा किया था, जिसके फल स्वरूप तुमने बहुत से नरकों की यातनाएं भोगी और अब वानर योनि में पड़े हुए इधर उधर भटकते हो। सारस की बात सुनकर बंदर ने कहा, यदि तुम इतना ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे बने। बंधु, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी, आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। सारस के मुख से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर वानर कहने लगा कि यदि तुम इतना ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे और मैं तुम्हारा पुरोहित था। पुरोहित होते हुए भी मैंने थोड़ा सा अन्न ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर ले गया। ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कुर्दम नरक में पड़ा, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे जो रक्त तथा पीप से भरा हुआ था। उस नरक में 3000 वर्ष तक पड़ा हुआ मैं उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया। इसके अतिरिक्त मैंने पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था, जिसे मैंने एक जुआरी को बेच दिया था। इससे भी मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब मैं तुमसे भविष्य की बात कहता हूँ, सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे, फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे, जिसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है, ना केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर
अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए और अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था और अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो, अतः तुम आनंद पूर्वक रहो और तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना था। तब मुझको बोध हुआ और मेरा मोह तथा शोक नष्ट हो गया। इति माघ महत्तम 28वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।